दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल मैप के बारे में। दोस्तों गूगल मैप में एक नया फीचर्स लाया गया है जिसका नाम है स्ट्रीट व्यू। तो दोस्तों आपको स्ट्रीट व्यू को कैसे इस्तेमाल करना है, इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लेना है। तो दोस्तों गूगल मैप में स्ट्रीट व्यू को कैसे इस्तेमाल करना है, तो उससे पहले आपको गूगल मैप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपका डाउनलोड है तो आपको यहाँ से सबसे पहले अपडेट कर लेना है प्ले स्टोर से। तो जैसे कि यहाँ पर हमने अपडेट कर लिया, अब आपको ओपन पर क्लिक करना है। ओपन करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको स्ट्रीट व्यू को कैसे आपको इस्तेमाल कर, दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्च में आ जाना है और यहाँ पर आपको कोई भी एक लोकेशन को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी सर्च कर लेना है। तो इस तरीके से आपको सर्च कर लेना। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि आप सभी लोग स्ट्रीट व्यू के बारे में सुने होंगे, जो कि ये इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ था, 15 साल पहले यूएसए में लॉन्च किया गया था, यानी अमेरिका में लॉन्च किया गया था, लेकिन इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया था। लेकिन अब इंडिया में भी स्ट्रीट व्यू का फीचर्स गूगल मैप में लॉन्च कर दिया गया है, जो कि दोस्तों स्ट्रीट व्यू का फीचर्स कुछ ही शहरों में अभी अवेलेबल किया गया है, यानी कि सभी शहरों में इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है। तो आपको कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपको सर्च पे आ जाना है और यहाँ पर आपको कोई भी एक शहर का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर हम दिल्ली को यहाँ पर टाइप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में स्ट्रीट व्यू का फीचर्स लॉन्च कर दिया गया है। तो आपको दिल्ली इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्ट्रीट व्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपका कहीं पर भी हो सकता है इसी में, तो आपको फाइंड कर लेना है। लेकिन सबसे पहले आपको गूगल मैप को अपडेट कर लेना है, तभी आपको ये फीचर्स देखने को मिलने वाला है। तो सिंपली से आपको स्ट्रीट व्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप स्ट्रीट व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान नहीं दे पाएं। जैसे कि अगर इसको हम ऑफ कर, तो यहाँ पर आपको मैप में ध्यान देना है। जैसे कि इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ हाईलाइट होने लगता है, जैसे कि आप देख पाएंगे। इसको अगर हम ऑफ करते हैं तो फिर यहाँ पर हाईलाइट होना बंद हो जाता है, और इसको फिर से हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हाईलाइट होकर आ जाता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको यहाँ पर जूम करना है। जैसे कि यहाँ पर हम जूम कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको कई प्रकार की रंग के यहाँ पर लाइनें दिखाई देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं येलो, रेड और ग्रीन, इस तरीके से सभी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो ग्रीन में लाइन दिखाई देता है उसी में आपको एक बार क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्ट्रीट व्यू का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो भी लोकेशन होता है वही लोकेशन यहाँ पर आपका 3D में दिखाया जाता है, कि आप जिस लोकेशन को यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं वही लोकेशन का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सड़क दिखाया जाता है, सड़क के अगल बगल जितने भी चीज़ें यहाँ पर रहेगा सारी चीज़ें आपको यहाँ पर 3D में दिखाया जाएगा, यानी कि पूरा फोटो के साथ दिखाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सड़क दिखाया जा रहा है और अगल बगल में कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप स्ट्रीट व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, तो जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप अपने फ्रेंड के घर अगर आप जाते हैं पहली मरतबा, अगर आप जाते हैं अगर अपने फ्रेंड का घर नहीं देख पाते हैं कि कहां पर है, हालांकि उस लोकेशन में आप पहुंच जाते हैं लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं मालूम होता है कि कौन सा हमारा फ्रेंड का घर है, तो इससे आप मालूम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे तो यहाँ पर 3D में दिखाया जाता है, जिससे कि आपको मिल जाएगा। अगर आपका फ्रेंड घर के बाहर भी अगर खड़ा रहेगा तो यहाँ पर आपका फ्रेंड भी लोकेशन में लाइव दिखाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ व्यक्तियों को भी हमने दिखाया, और भी यहाँ पर एक व्यक्ति आने वाला है, जैसे कि यहाँ पर और भी व्यक्ति यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो इस तरीके से अगर आपका फ्रेंड अगर घर के बाहर खड़ा रहेगा तो आप अपने फ्रेंड को लोकेशन में इस तरीके से स्ट्रीट व्यू के माध्यम से दे सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एरो दिखाया जाता है, एरो पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों स्ट्रीट व्यू का फीचर सभी कुछ ही शहरों में लॉन्च किया गया है, लेकिन इंडिया में लॉन्च फाइनली कर दिया गया है, धीरे धीरे सभी शहरों में ये लॉन्च कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एरो जो दिखाया जाता है, अगर आपको इधर जाना है तो इधर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एरो के माध्यम से सब कुछ दिखाया जाता है। इस तरीके से आप स्ट्रीट व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोकेशन को भी यहाँ से अपने अनुसार से
यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस लोकेशन में आना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपको लोकेशन को क्लिक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैफिक का यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यही फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के भी साथ शेयर करें। तो चलिए बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिल